मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में तुलाराम जी की जो जीवन गाथाएं हैं उनके संस्मरणों में हम आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल अनास्तिक यानी नास्तिक, और फिर वो इतने आस्तिक हुए कि अपना घर द्वार सब छोड़कर महाराज को समर्पित हो गए, सपत्नी समर्पित हो गए, दोनों महाराज जी के भक्त बन गए। सिद्धि माँ के बारे में तो दादा बता रहे हैं, रब्बू दादा ने बहुत सारे प्रसंग सिद्धि माता के बताए हैं, उनके बारे में ज्यादा बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं तुलाराम जी के बारे में बता रहा हूं कि तुलाराम जी सब सुख सुविधाएं सारी संपन्नता सब त्याग करके और तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। महाराज जी के साथ कष्ट भी उठा रहे हैं, परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, और वो दौर ऐसे रहे कि समस्त सुविधाओं को छोड़ा है उन्होंने अपनी स्वेच्छा से। कष्ट आए हैं उनको तपस्या का दौर मानकर उनसे निकल रहे हैं, क्योंकि प्रेम और तपस्या धर्म ये सब करने के लिए उस स्थिति से चलना पड़ता है। तो एक प्रसंग में लाल बंगला यानी चर्च लैंड से मैं सुना रहा हूं कि महाराज जी वहां पर विराजमान है और सुधीर मुखर्जी को मैंने बताया कि सब लोग दादा कहते थे, महाराज जी भी दादा कहते थे, लेकिन तुलाराम उनको उद्धव कहते थे, कन्हैया जी के उद्धव, उद्धव कहते थे। तो एक दिन वो ये बोले कि उद्धव मुझे वानप्रस्थ जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है। महाराज जी की जो सब पूरी दिनचर्या हो जाती थी तो रात में वहां जब बातचीत होती थी तो जो बातचीत सत्संग का रूप ले लेती थी, और जब दादा मुखर्जी और तुलाराम जी बैठते थे तो सत्संग के साथी होते थे चाय के कप और सिगरेट। और आपको बता दूं कि ये दोनों तलब जो थी वो महाराज जी तो जानते ही जानते थे, लेकिन वो उनके सामने नहीं होती थी। तो एक दिन वो अपने बैठे चर्चाएं कर रहे थे और महाराज जी अंदर बैठे हुए थे अपने कक्ष में, और वहां मां मौसी सिद्धि और दो तीन महिलाएं वो बैठी हुई थी, वो अंदर बात कर रही थी, और इधर दादा मुखर्जी और तुलाराम जी दोनों लोग अपने बरामदे में आकर चाय चलने लगी और सिगरेट, और वही बात है दिन में ये हुआ और वो हुआ, कल क्या करना है। एकदम हंसी की बात आती है, बहुत तेज हंसी आती है अंदर से, महाराज जी खिलखिला के हंस रहे हैं और माताएं जो बैठी हैं और एक दो भक्त बैठे हैं वो हंस रहे हैं। तो जब वो हंसी की आवाज आई तो तुलाराम जी और उनका ध्यान जो है दादा मुखर्जी का उधर गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कसखेचे चाय खत्म की और अंदर प्रवेश कर गए महाराज जी के कक्ष में। अब जैसे ही दोनों ने अंदर प्रवेश किया कि शेष भक्त फिर खिलखिला के हंसने लगे। तो अब तुलाराम जी ने कहा कि महाराज जी क्या हो गया, अभी जब बाहर थे तब भी आप लोग हंस रहे थे, हम जब अंदर आए तब भी आप हंस रहे हो। तो सिद्धि मां ने बताया कि आप लोग बाहर जो अपनी पार्टी कर रहे थे ना चाय और सिगरेट की, तो महाराज जी बता रहे थे कि बाहर पी जा रही है, ऐसे इशारा करके और चाय को इस तरह से करके, तो हम लोगों की हंसी नहीं रुकी। अब आप लोग अंदर आ गए तो अब इसलिए हंसी नहीं रुक रही है। मित्रों ये छोटा सा उदाहरण है, बहुत सारे हमने आपको संस्मरण सुनाए हैं। महाराज जी गंभीर अवस्था को भी बहुत हास पर हास में बदल देते थे, और आप एक यकीन मानिए कि महाराज जी की न कोई भी कथा, कोई भी संस्मरण और कोई भी छोटी से छोटी बात बिना उद्देश्य के नहीं होती थी। महाराज जी
उनकी सारी व्यवस्था को देखते थे। सुधीर मुखर्जी सुबह से शाम तक ये जो व्यवस्था में रहते थे, हजारों भक्त आते थे, एक दो चार दस बीस सौ नहीं, हजारों भक्त, उनकी व्यवस्था करना। और उनकी एक व्यवस्था और मैं आपको बताऊंगा कि जब चूक हुई एक जगह, तो महाराज जी ने फिर क्या किया। प्रोफेसर साहब व्यवस्थापक में थे, तो आप जानते हो कि चाहे कितने भी कार्यकर्ता हो, और वो जो जब या तो टीका अच्छा विजय का लगता है तो उसके लगता है, और नहीं अगर दंड मिलता है तभी नेतृत्व को मिलता है वो। तो मुखर्जी साहब से क्या कहा महाराज जी ने, वो मैं बताऊंगा आपको अगले अंक में। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।